हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतदान के दौरान सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले गए। मतदान के दौरान जहां कई बूथों पर शांतिपूर्वक वोटिंग हुई, वहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू किया। इसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई। वहीं मतदान के बाद हरियाणा का एग्जिट पोल भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। इसी को लेकर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ। हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आएगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी ने भी एग्जिट पोल को नकारा और कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में ही आएंगे। ये एग्जिट पोल है और आप देखना, जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़त के साथ आगे रिजल्ट में आएगी। वही एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा का कहना है कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। एक तानाशाह और अहंकारी सरकार का अंत होगा हरियाणा से, जिन्होंने हर वर्ग को तंग किया। एक नई सरकार बनेगी नई सोच के साथ। हम तो शुरू से एग्जिट पोल है, बहरहाल सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसका सही फैसला तो 8 अक्टूबर को ही हो जाएगा। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतदान के दौरान सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले गए। मतदान के दौरान जहां कई बूथों पर शांतिपूर्वक वोटिंग हुई, वहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू किया। इसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई। वहीं मतदान के बाद हरियाणा का एग्जिट पोल भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। इसी को लेकर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ। हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आएगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी ने भी एग्जिट पोल को नकारा और कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में ही आएंगे। ये एग्जिट पोल है और आप देखना, जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़त के साथ आगे रिजल्ट में आएगी। वही एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा का कहना है कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। एक तानाशाह और अहंकारी सरकार का अंत होगा हरियाणा से, जिन्होंने हर वर्ग को तंग किया। एक नई सरकार बनेगी नई सोच के साथ। हम तो शुरू से एग्जिट पोल है, बहरहाल सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसका सही फैसला तो 8 अक्टूबर को ही हो जाएगा। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।